एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शीला दीक्षित को दिल का दौरा पड़ने से 81 साल की उम्र में निधन। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। आज यानी शनिवार सुबह उन्हें दिल के एस्कॉर्ट्स अस्पताल में भर्ती किया गया था। दोपहर 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। शीला दीक्षित दिसंबर 1998 से दिसंबर 2013 तक दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी थी। मुख्यमंत्री रहने के बाद शीला दीक्षित केरल की राज्यपाल भी रह चुकी थी। वर्तमान में वे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष थी। वे लंबे समय से बीमार चल रही थी। वे दिल्ली की दूसरी महिला मंत्री थी। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का जन्म 31 मार्च 1938 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। वे इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर पूर्व दिल्ली से लोकसभा क्षेत्र के चुनाव लड़ रही थी। शीला दीक्षित ने राजनीति के गुर अपने ससुर उमा शंकर दीक्षित से सीखे, जो इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल से गृह मंत्री थे और बाद में कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। अब दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब शीला दीक्षित का निधन हो गया है। रविवार को 2:30 बजे निगम बोध घाट में शीला दीक्षित का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शनिवार शाम 6 बजे से उनकी पार्थिव देह निजामुद्दीन स्थिति घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखी जाएगी। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।